तो सबसे पहले बताइए कि पम्बिकोज़ जो है ये किस किस चीज़ों की वैलिडेशन में काम कर रही है और क्या क्या यूनिट आप बना रहे हैं यहाँ पे? देखिए, पम्बिको टेक्नोलॉजीज़ बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप कर रही है पाकिस्तान के मकामी ज़रूरियात के मुताबिक, लेकिन हमने ये देखा कि एग्री वैल्यू एडिशन में बहुत बड़ा गैप है। इतने इतने कीमती फल हैं, सब्जियां हैं और अबंडेंट हैं, बेतहाशा हैं, जो हम हर साल 30-40% ज़ाया भी करते हैं क्योंकि हमारे पास उनको संभालने का पूरा इंतज़ाम नहीं होता। अभी ये जो पल्पर मशीन है, इसमें हमने मैंगो डाला है, साबत मैंगो डाल के उसमें से हमने पल्प ली है, जैसे ये देखें, बिल्कुल इसमें से ऑलमोस्ट 100% जो गुठली की पल्प निकल गई और ये हमारी पल्प हमें मिल गई। तो इस मशीन को हम टमाटर के लिए, इसको अमरूद के लिए, आड़ू के लिए, खुबानी के लिए, आलू बुखारा के लिए, जितने भी सॉफ्ट टेक्सचर के पल्प वाले फल हैं, जितने भी फालसा है, जामुन है, उन सब के लिए इस मशीन में सेटिंग मौजूद है। ये देखने में आया है कि हम बड़ा प्राइम अपना जो मैंगो है उसको तो हमने देख लिया कि वो बड़ा अच्छा, कलर में भी अच्छा था, साइज़ में अच्छा था, उसको हमने एक्सपोर्ट भी कर लिया, खा भी लिया, लेकिन वो जो एक ऐसा बी कैटेगरी का या सी कैटेगरी का जो हमारे पास फ्रूट बचता है, हाँ, उसका इस्तेमाल आज जो है ना, वो उसको इसकी वह सोल्यूशन है, उसको हम वैल्यूडेशन में ले जाएँ। जी बिल्कुल, जो हमारी ऐसी वराइटियाँ हैं जो ज़्यादा फेमस नहीं है खाने में, आप उनकी पल्प ले लेते हैं जी। पल्प के बाद हम इसकी प्योरी, इसका जैम, इसका जूस और मैंगो लेदर्स और कैंडीज, हाँ, मैंगो कैंडी हमारे मकामी कंपनियां अब ये बनाना शुरू हो गई हैं, एक्सपोर्ट कर रही हैं और हाई रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं। हम अगर किसी चीज़ में वैल्यूडेशन में जाते हैं जी, तो कितना फ़र्क पड़ता है मुआशियात के ऊपर, इकोनॉमिक्स कितनी बेहतर होती है इसके? नंबर एक, जो हमारा प्रोड्यूस लॉसेस हैं 30-40%, वो आपने ख़त्म कर लिया। दूसरा, जो प्रोड्यूस हम लो रेट पे बेचते हैं, वो भी मैं समझता हूँ कि प्रोड्यूस की वेस्टेज है, उसके ज़्यादा अच्छा, हाई वैल्यू पे ले जाते, वो भी ख़त्म हो गई। फिर हमने इसमें जब वैल्यू एडिशन की, पेरिशिबिलिटी ख़त्म की, इसकी शेल्फ लाइफ 6 माह से 1 साल बढ़ा दी, तो ये 100% प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि 1 करोड़ का मटीरियल आपका 2 करोड़ में हो जाएगा, 1 अरब का मटेरियल आपका 2 अरब में हो जाएगा, 100 अरब का मटेरियल 200 अरब में हो जाएगा। मेरे पास इतनी अच्छी फिजिबिलिटी मौजूद हैं। मैंगो हमारी पूरी दुनिया इसको किंग ऑफ फ्रूट मानती है। अगर हम इसकी वैल्यू एडिशन करें, हाई एंड मार्केट में पहुँचाना आसान हो जाएगा, तो ये मतलब एक ऐसी क्रॉप है, ऐसा कुदरत का अनमोल तोहफा है, हम इसको यूटिलाइज करें और पूरी दुनिया में बेचें। अच्छा, पूरी दुनिया में अगर थाईलैंड की जाएं, एयरपोर्टों पे जाएं तो वहाँ पे जो है ये सारे पल्प, हर चीज़ें अवेलेबल है वहाँ पे, फ्री क्वांटिटी चीज़ें अवेलेबल है। ऐसे ही, ऐसे ही। लेकिन अनफॉर्चुनेट हमारे पास वो एक फ्रेश मैंगो होता है, उसी को हम यूज़ कर रहे होते हैं जी। तो मेरा ख्याल है कि आज के प्रोग्राम जो किसान का पाकिस्तान में, हम मैंगो के ऊपर स्पेशली कर रहे हैं, इसमें हम ग्रोइंग टेक्नोलॉजी पर तो बात करके अभी हमने देखा कि फार्मर किस तरह पर एकड़ इनकम बढ़ा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो वैल्यूडेशन है, ये कदर एक बहुत बड़ी एक टेक्नोलॉजी है जिसको इस्तेमाल करके हम इस अपने मैंगो से बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। हमारे पास 18 लाख टन मैंगो है सालाना, हम पैदा करते हैं, 20% उसमें से गुठली निकलती है और इस 20% में 10% मैंगो सीड कर्नल ऑयल है। आप अंदाज़ा कर लें कि वो जो 10% ऑयल है 10 से 15 हज़ार रुपये का लीटर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री उसको ले रही है, ये कितना बड़ा खजाना है। बिल्कुल, अभी हम ये 20,000 रुपये का पेट्रोल है जो उसके अंदर मौजूद है, हाँ, जिसमें हमने मैंगो बेचा उतने का, तो इसमें ऑयल मौजूद है, इसमें ऑयल मौजूद है। ये इसको भी हमने एड्रेस किया यहाँ, हम अभी आपको दिखाते हैं कि इसमें से तेल निकालने का, चले वो मशीन भी देखिए, पायलट प्लांट यहाँ लगाया है, वो आपको दिखाते हैं, वो मशीन भी देखिए। ये पम्बिको टेक्नोलॉजीज़ ने डिहाइड्रेशन मशीन बनाई है, तो इसमें हम मैंगो ड्राई करते हैं, तो अभी हम आपको दिखाते हैं हमने इसकी कितनी कैपेसिटी कितनी है इसके। इसमें तकरीबन 500 केजी जो फ्रेश मैंगो है, 500 से 600 केजी फ्रेश मैंगो है, उसके स्लाइसेस बना के हम इसमें लोड कर सकते हैं। खोलिएगा,
ये कितने टाइम में जो है ये डिहाइड्रेट हो जाते हैं फिर? ये इसमें जब हम लोड करते हैं तो स्लाइस की थिकनेस कम ज़्यादा होने के साथ इसका टाइम सेटिंग होती है। तो ये जो इसका रिज़ल्ट है, ये अभी जो हमें पहला बैच लगाया ये 18 घंटे में ड्राई हो गया। अच्छा जी। तो 18 से 24 घंटे में हमें ये प्रोडक्ट रेडी मिल जाती है। वाह। और ये एक किलो अगर हम लगाते हैं तो उसके कितनी इसकी जो रिकवरी कितनी आती है इसके अंदर? अच्छा, इसमें रिकवरी है 100 केजी फ्रेश आम से हमें 10 केजी ड्राई मिलता है। 10% रिकवरी है? 10% इसकी रिकवरी है। एक किलो की कीमत 2500 रुपये किलो मिनिमम है। ठीक है। 2500 से लेके ये 4500 रुपये केजी तक बिल्कुल इसकी वैल्यू है। तो हमारे जो पाकिस्तानी आम है, इसकी ख़ास तौर पे पूरी दुनिया इसको इसलिए पसंद करती है कि इसकी खुशबू और इसका जायका। न्यूट्रिशनल वैल्यू तो आम की है ही, चूँकि ये किंग ऑफ फ्रूट है। बिल्कुल। तो इस हवाले से ये पूरी दुनिया में हम इसको बेच सकते हैं बड़ी आसानी से। सर, इसका तो टेस्ट ही बहुत ज़बरदस्त है इसका। सर, मैं कहता हूँ कि जब इस किसी को तो हम देते हैं ना, तो वो कहते हैं कि खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, ये ऐसी चीज़ है। इसका बेनिफिट ये है कि आप इसको बाई सी भेजें, आज भेजें, एक महीने के बाद भेजें, इसकी पेरिशेबिलिटी की कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना। और फिर इसमें ज़ाहिर है जो रेट इंक्रीज़ होता है वो तो एक बहुत बड़ा एक रेवेन्यू जनरेशन का पाकिस्तान के लिए सबब बन सकता है। तो इसमें और कौन कौन सी चीज़ें आप जो है ना डिहाइड्रेट कर सकते हैं इसी मशीन के साथ? अच्छा, फ्रूट एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है। करेला है, करेला है, किशमिश के ऊपर अभी गवर्नमेंट काफी सीरियस हो रही है। ओनियन, ओनियन है हमारे पास। हाँ जी। इसी तरह ये स्ट्रॉबेरी है। हाँ। और ये मिंट के लीफ हैं, मिंट पाउडर आप बनाएं, आपकी रेसिपी हैं उसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इसी तरह जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये मैंगो सीड में से निकला हुआ मैंगो सीड ऑयल है। हाँ जी। और ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इसकी इस्तेमाल है। तो अच्छा साहब, ये जो सारी टेक्नोलॉजी है इसका फार्मर तक पहुंचना भी बड़ा ज़रूरी है। हाँ। तो इसमें कौन से एजुकेशनल अदारे हैं आपके साथ मिलके इस तरह की जो है टेक्नोलॉजी को आम फार्मर तक और आम लोगों तक पहुंचा सकते हैं? देखिए, मैं पाकिस्तान के सब रिसर्च के अदारों के साथ काम कर रहा हूँ। ठीक। तो इसी तरह BZU ठीक है एक पायनियर अदारा है जिन्होंने वैल्यू एडिशन में तकरीबन 6 जो प्रोसेस हैं जो हाईलाइटेड हैं, जिसमें डिहाइड्रेशन है, फूड एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन है, असेंशियल ऑयल है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, और पल्पिंग है, फिर उससे जूस बनाना, प्योरी बनाना। जो BZU का जिस तरह आप बता रहे हैं, तो ये फार्मर तक किस तरह मिलके जो इस टेक्नोलॉजी को ट्रेनिंग से यहाँ पे कराते हैं फार्मर्स की? हाँ। किस तरह इसको इस टेक्नोलॉजी को मुंतकिल हो रही है आम फार्मर तक? देखिए, ये अदारों में ये चीज़ें रखने का मकसद ही ये है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाए, स्टूडेंट्स को प्रोसेस प्रोडक्ट सिखाई जाए, प्रोडक्ट कैसे बनती है वो सिखाया जाए, और जो इंडस्ट्री है, किसान हैं, उनको ये ऑन साइट ट्रेनिंग और अवेयरनेस दी जाए। आपकी जो इंडस्ट्री है, एकेडमिया को साथ लेके फार्मर्स और स्पेशली फिर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो डिग्रियां लेके बाहर घूम रहे होते हैं कि हमें नौकरियां करनी है, उसके साथ साथ आप उनको एक एंटरप्रेन्योरशिप आइडिया भी दे रहे हैं, इन चीज़ों को ट्राई करके, इन चीज़ों को प्रोसेस करके, इनको ब्रांड करके आप अपने बिजनेस भी डेवलप कर सकते हैं। अच्छा भाई, हम टोटल 18 लाख मैंगो टन जो टन मैंगो प्रोड्यूस करते हैं, आप क्या कहते हैं कितना मैंगो जो है हमें वैल्यूएशन में लेके जाना चाहिए और डिहाइड्रेशन में लेके जाना चाहिए, और क्या इसकी इकोनॉमिक्स क्या है इसकी? अब 18 लाख टन में से अगर हम 8 लाख टन प्रोसेस कर लें, मतलब 8 लाख टन को ही सिर्फ हम डी इसमें ले जाएं इसकी ड्राई करने में, हाँ, तो रिकवरी जैसे अभी आपने बताई 10% रिकवरी है। हाँ, तो इसमें 80,000 टन आपका बन जाएगा। 80,000 टन हमारे पास ड्राई मैंगो आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल ठीक है। एक टन की जो वैल्यू है वो 25 लाख रुपए है, यानी कि ये 2500 रुपए किलो बनती है। एक किलो 2500 रुपए का, ये तो बड़ी कम प्राइस बता रहे हैं। अभी मार्केट में तो 3000 रुपए 4000 बल्कि इससे भी ज्यादा पे चल रही है। ये तो हम आम मार्केट की बात कर रहे हैं। आप हाई एंड मार्केट पे चले जाए, आप यूरोप में चले जाए, कनाडा चले जाए, अमेरिका चले जाए, तो ये डबल हो जाएगा। चलो, मेरा ख्याल 2500 रुपए पर केजी के ऊपर हम इसको जो है ना लॉक करते हैं। हाँ, 2500 रुपये केजी
को जब अगर आप 80,000 टन बनाएंगे, एक टन जो है वो 25 लाख रुपए का है। 80,000 जो हमारा जो टन है हमारे पास, 80,000 टन को आप 25 लाख से ज़रब देंगे तो ये 2 खरब रुपए का हमारी प्रोडक्ट बनती है। 2 खरब रुपए की ये प्रोडक्ट, और ऐसी प्रोडक्ट है जो हर कोई लेना चाहेगा। बिल्कुल ठीक, ऐसी बात नहीं है कि इसका क्लाइंट नहीं है तो हम कैसे बना लें, हर कोई लेना चाहेगा बिकॉज ये किंग ऑफ फ्रूट है, एवरीबॉडी लाइक ईटिंग मैंगोज। तो हमारा काम है कि हम इसको करें।